अरसे से चंद्रशेखर आजाद बीएसपी प्रमुख मायावती को मन की बात बताने के लिए बेकरार थे, अब कबूल किया, बसपाई हैरान तो जरूर हुए होंगे। चंद्रशेखर के लिए मायावती क्या हैं? चंद्रशेखर के कबूल नामे के बाद अब तय हो गया 2024 की लड़ाई से पहले चंद्रशेखर क्या करने वाले हैं। चंद्रशेखर ने आकाश आनंद को ललकारा, आमने सामने की लड़ाई की दे दी चुनौती, क्या चुनौती आकाश स्वीकार करेंगे। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने सबके सामने आकर ये कबूल किया, वो जो हैं, जिस ट्रैक पर जाकर राजनीति कर रहे हैं, जिस रफ्तार के साथ उनकी राजनीति दौड़ रही है, जिस तरीके से उनकी स्वीकार्यता बढ़ रही है, उसमें एक ऐसे शख्स का हाथ है जो राजनीति में उनके सीनियर हैं। चंद्रशेखर आजाद ने उस शख्स को गुरु की उपाधि से नवाजा, खुद का उनको शिष्य करार दिया, खुद को उनके प्रति निष्ठा दिखाने की चेष्टा कर रहे हैं। लेकिन भीम आर्मी चीफ ने बातों ही बातों में कुछ ऐसा कहा जिससे लगने लगा दिल में कुछ तो ऐसी बात है जो वो मायावती के लिए कहना रहे हैं। मायावती उनके लिए महाभारत के एक पात्र की तरह दिखी, जिससे शिक्षा लेना हर किसी का सपना होता था, जिससे शिक्षा लेने के लिए बड़े से बड़े महारथी पूरा प्रयास करते थे। कईयों को सफलता मिली, कईयों को नहीं मिली। चंद्रशेखर के लिए मायावती गुरु द्रोणाचार्य की तरह हैं। द्रोणाचार्यों को अपने शिष्यों में सबसे प्रिय अर्जुन थे। चंद्रशेखर आजाद की नजर में भी मायावती के पास अर्जुन है। वो खुद को एकलव्य की तरह मान रहे हैं, एकलव्य की तरह जान रहे हैं। वही एकलव्य जिसने द्रोणाचार्य से शिक्षा लेने की कोशिश की थी, तब द्रोणाचार्य ने उसे शिक्षा नहीं, लेकिन उन्हें जब अपना गुरु मानकर अपनी अदत मेहनत प्रखर बने तो उसी द्रोणाचार्य को गुरु दीक्षा दी और अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। चंद्रशेखर इस वक्त खुद को एकलव्य की भूमिका में देख रहे हैं और मायावती के भतीजे आकाश आनंद को अर्जुन की तरह देख रहे हैं। मायावती के अर्जुन आकाश आनंद को मायावती के ही एकलव्य चंद्रशेखर आजाद चुनौती दे रहा है, 2024 की लड़ाई के लिए ललकार रहे हैं। चंद्रशेखर ने बहुत कुछ ऐसा कहा जिसके आधार पर ऐसा लगा 2024 में असली लड़ाई मायावती के अर्जुन आकाश आनंद का मायावती के एकलव्य चंद्रशेखर आजाद से होने वाला है। ये सब क्यों कह रहे हैं, क्यों चंद्रशेखर ऐसा कह रहे हैं? बीएसपी प्रमुख मायावती के अंदाज से ऐसा लगता है आकाश आनंद जिस तरीके से एक्टिव हुए हैं उससे ऐसा लगने लगा है दलित समाज का मायावती के बाद चेहरा कौन होगा, वो 2024 की लड़ाई में साबित हो जाएगा, इसकी शुरुआत हो चुकी है। इन दिनों आकाश की दलित समाज में स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती दिल्ली में है, तो उनके दलित वोट बैंक के उत्तराधिकारी माने जाने वाले चंद्रशेखर आजाद ने भी दिल्ली से हुंकार भर दी। चंद्रशेखर ने अपने ऊपर हुए हमले का जवाब देने के लिए 21 जुलाई को जंतर मंतर पर बड़ी रैली करने का ऐलान कर दिया। उसमें न्योता लगभग सभी विपक्षी पार्टियों के नेताओं को दिया गया। चंद्रशेखर यूं तो सरकार पर हमलावर हैं, लेकिन लक्ष्य दलित समाज के दिलों में उतरने का लगता है। मायावती और आकाश आनंद को इस बात का एहसास हो चुका है। पिछले कुछ दिनों से बीएसपी के मुखिया लखनऊ के बजाय दिल्ली से सियासी रणनीति बनाने में लगी है। जब एक न्यूज चैनल ने इस बारे में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद से सवाल किया तो उनका जवाब कुछ इस तरह से था, मैंने मायावती से काफी कुछ सीखा है, जैसे एकलव्य ने बिना शिक्षा लिए द्रोणाचार्य से शिक्षा ली उसी तरीके से मैं भी सीखता रहता हूँ, क्योंकि उनके करीब आने का मौका ही नहीं मिला। मेरा तो हमेशा ही प्रयास है कि उनका आशीर्वाद हमें मिले। आजकल बीएसपी में मायावती विरासत किसको सौंपेंगी उसको लेकर उनके भतीजे आकाश आनंद का नाम चर्चा में है, तो आकाश को ही आधार में रखकर चंद्रशेखर से एक सवाल किया गया, आप अगर एकलव्य हैं तो मायावती के लिए अर्जुन कौन है? तो चंद्रशेखर ने जवाब दिया, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो मेरे छोटे भाई हैं और किसकी काबिलियत ज्यादा है ये तो जनता तय करेगी। यानी साफ है, चंद्रशेखर आजाद ने भी ठान लिया वो बीएसपी प्रमुख मायावती को अपनी दक्षता साबित कर रहेंगे। वैसे चंद्रशेखर ने तय किया है कि आजाद समाज पार्टी के झंडे तले वो अब चुनावी अभियान शुरू करेंगे। 21 जुलाई को अपने ऊपर हुए हमले और बहुजन समाज उत्पीड़न को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर तरीके से उनके सियासी अभियान की शुरुआत होगी, जिसमें सभी विपक्षी दलों को आमंत्रण जाएगा। अब किसे शामिल होना है और किसे नहीं वो पार्टियां तय कर ले, लेकिन आजाद की सियासी लड़ाई दिल्ली तक ही सीमित नहीं रहने वाली। यही नहीं, चंद्रशेखर आजाद ने सीधा संदेश दे दिया, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में आजाद समाज पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी और इसके लिए जल्द ही एमपी और राजस्थान में पदयात्रा शुरू करेंगे ताकि लोग उनसे जुड़ सकें। 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए भी चंद्रशेखर आजाद की अपनी तैयारी जारी है।